हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हजन किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पानी वाले बड़े की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। ये चटपटा मीठा टेस्ट होता है इसके अंदर फ्रेंड्स। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं पानी वाले बड़े। एक कप मूंग की दाल को मैंने भिगो के इसको पीस लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे अब नमक। नमक हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून और इसको हाथ से ही फेंटेंगे, इसे हम स्पून से नहीं फेंटेंगे। ये देखिए इस तरह से हम हाथ से ही फेंटेंगे इसे। बड़े बनाने के लिए आप दाल को हमेशा हाथ से ही फेंटें, उससे जो उसके अंदर एयर बनती है उसकी वजह से ही हमारे बड़े फूलते हैं। आने वाले बड़े का पानी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने लिया है हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून खटाई, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून काला नमक और हाफ नींबू, थोड़ा सा पुदीना, 2-4 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डाल के हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसका एक पेस्ट बना लिया है मैंने। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये इमली की चटनी बनाई है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ले लिया है मैंने पानी। पानी मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है और इसमें हम अब ये सारे मसाले डालेंगे जिससे कि हमारे पानी वाले बड़े में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना, मिर्च और अदरक का पेस्ट। मिर्च, पुदीना और अदरक का पेस्ट डाल दिया है और उसको बहुत अच्छे से चला दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे इमली की चटनी। ये देखिए अब इसको भी हम डाल के इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे नींबू। यहाँ पे मैंने हाफ ही नींबू लिया है क्योंकि मैंने खटाई भी यूज़ करी है, इसलिए यहाँ पे मैंने नींबू हाफ लिया है। अगर आप खटाई यूज़ नहीं कर पाए या आपके पास खटाई नहीं हो तो आप इसमें एक पूरा नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पुदीना डालेंगे हाथ से ही। इसको देखिए हल्का हल्का सा मैं तोड़ लूँगी। डाल चुके हैं पुदीना, मिर्चे और अदरक का पेस्ट मैं इसमें डाल चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं हाथ से इस तरह से तोड़ के थोड़ा सा ही पुदीना डाल रही हूँ। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें हम टेस्ट करके देखेंगे कि अगर इसमें हमारा नमक हल्का लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा नमक और भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हाफ टी स्पून नमक डाल दिया है इसमें और अब हमारा ये पानी वाले बड़े का पानी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और अब बनाएंगे हम बड़े। मूंग की दाल के बड़े बना रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है, गैस की फ्लेम हमारी मीडियम है अभी। ये देखिए इस तरह से मैं छोटे छोटे से बड़े डाल रही हूँ यहाँ पे स्पून से, आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं। ये देखिए एक एक करके सारे बड़े मैं इसमें डाल दूँगी और जब हम सारे बड़े इसके अंदर डाल देंगे तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे। जितनी भी आपकी कढ़ाई में जगह हो फ्रेंड्स आप उतने बड़े एक साथ डालें। और इसको हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें हल्का हल्का सा कलर ही चेंज करना है इनका। गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे इसे फ्राई करते में, जिससे कि अंदर तक से सिके और ऊपर से बिल्कुल भी नहीं जलें। ये देखिए फ्रेंड्स सारे बड़े मैं इसमें डाल चुकी हूँ। बड़ों को हम अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से फूले हैं। ये देखिए सारे बड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और जो हमने बड़े का पानी बनाया है उसमें डायरेक्ट डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, अब इसको मैं डायरेक्ट इसमें डाल रही हूँ जिससे कि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे इसके अंदर ही। ये देखिए फ्रेंड सारे बड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर फ्रेंड्स, हींग आप जरूर डालें इसके अंदर।
देखिए फ्रेंड्स, अब इनको हम चलाएंगे और इनको टेस्ट करके देखेंगे। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं फ्रेंड्स ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को सर्व कर सकते हैं फ्रेंड ग्लास के अंदर, या आप इसे बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।